तमीज। ला जल्दी ला। अच्छा अगले बहुत देर कर दी। दीपक आया? नहीं मैम साहब। आप दीपक से बात क्यों नहीं करते? रात रात भर घर से बाहर रहता है, मुझे तो चिंता लगी रहती है उसकी। अरे भाई जवान लड़का है, ये उसी के दिन है, करने दो जितनी कर सके रंग रलिया। एक दिन शादी हो जाएगी, फिर बैठ जाएगा घर में मेरे जैसा। आपसे तो कुछ बात करना ही बेकार। मैं मुंबई के शिवाजी रोड से बोल रही हूँ। यहाँ एक लाश मिली है, मृतक की हालत को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी वाहन ने उसे टक्कर मारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घटना आज सवेरे 6 से 7 बजे के बीच हुई है। मृतक के परिवारजनों का अभी कुछ भी मालूम नहीं चला है, और हमें अभी अभी ये खबर मिली है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक इम्पोर्टेड मोटर बाइक मिली है, और ये समझा जाता है कि मोटर बाइक उसी मृतक की है। मैं पूनम शर्मा, मुंबई, दूरदर्शन समाचार। क्या हो गया तुझे दीपक? दीपक मेरे बेटे, तू बोलता क्यों नहीं कुछ? दीपक,
जल्दी कुछ बोलता क्यों नहीं? दीपक, दीपक, क्या हो गया तुझे मेरे बेटे, क्या हो गया? प्लीज हटिए, प्लीज प्लीज हटिए, आप लोग प्लीज हटिए, आइए प्लीज हटिए, आइए सर प्लीज, आप लोग हटिए, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज। इंस्पेक्टर जी, ये हादसा कैसे और कहां हुआ? सर, जिन लोगों ने भी इस हादसे को देखा है उनका बयान बड़ा अजीब और भरोसे काबिल भी नहीं है। मतलब? उन लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बहुत पुरानी कार देखी है, कार के शीशे टूटे हुए थे, रंग उखड़ा हुआ था, उस कार में कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, और ताज्जुब की बात तो यह है कि उस कार में कोई ड्राइवर भी नहीं था। लेकिन लोगों ने तुमसे बात कही और आपने इस बात पर विश्वास किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दरअसल जब यह हादसा हुआ तो लोग उस जगह से काफी दूरी पर थे, उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल सवार को एक कार उड़ा रही है, और जब तक वो लोग उसके पास आए तब तक कार बहुत दूर जा चुकी थी, और ये सारे बयान उन्होंने घबराहट में दिए। लेकिन इंस्पेक्टर, कार का तो पता चला होगा ना? नहीं सर, अभी तक कार का पता तो नहीं चल सका है। लेकिन सर, इस हादसे में मुझे पुरानी रंजिश नजर आती है। ये जो कोई भी है आपके बेटे दीपक का दुश्मन था। सुनसान सड़क थी, गाड़ी ने पीछे से आके डैश किया और यही लोगों ने देखा। मेयर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि आपके बेटे दीपक के दुश्मन कौन कौन है। हम उन सबको पकड़कर पूछताछ करेंगे और सच तो उगलवा ही लेंगे सर। इंस्पेक्टर, मैं अपने बेटे के दुश्मनों को तो नहीं जानता, लेकिन दोस्तों को जरूर जानता हूं। आप एक बात बताइए, इस शहर में अगर मेयर के बेटे की सेफ्टी नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? अंकल, हमें बहुत दुख है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ अंकल। दीपक आपका बेटा है और पॉलिटिक्स में है, तो जरूर आपका कोई राइवल है जिसने आपको यह नुकसान पहुंचाया है। नहीं बेटा, राजनीति में ऐसा सब कुछ नहीं होता है। राजनीति की लड़ाई किसी और ढंग से लड़ी जाती है। ये नौजवानों के दुश्मनी का नतीजा है। तुम नौजवान लोग होश से नहीं, जोश से काम लेते हो ना। अंकल, फिर तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि हमारे किस दुश्मन ने ये काम किया है, क्योंकि लड़कों में आपसी झगड़े तो होते रहते हैं पर इतने सीरियस नहीं होते। फिर भी हम पता तो जरूर लगाएंगे। हाँ बेटे, बेटे कभी कभी छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। खैर, पुलिस अपने तरीके से
इंक्वायरी तो कर ही रही है। अंकल, दीपक तो चला गया, लेकिन लेकिन आप हम लोगों को अपना ही समझिए। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी हम लोग हाजिर हो जाएंगे। हाँ, हाँ बेटे, बेटे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो मुझे उस हत्यारे का पता लगाना है जिसने मेरे दीपक को मुझसे छीना है। यार, दीपक उस रात हम ही लोगों के पास आ रहा था, तुम्हें क्या लगता है वो गाड़ी किसकी हो सकती है? अरे यार, गाड़ी के बारे में जो बात बताई जा रही है वो भी बड़ी अजीब बात है। ना गाड़ी में कोई नंबर प्लेट थी, ना गाड़ी का ड्राइवर था। मेरे ख्याल से ये सब भ्रम पैदा करने के लिए किया गया है। ये मर्डर बड़ा प्लान बनाकर किया गया है, भले ही मकसद छोटा हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बात को समझने की कोशिश करो यार। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने वाले हैं और दीपक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। यह भी तो हो सकता है कि यह काम अपोजिशन पार्टी ने किया हो। अरे नहीं यार, दीपक के अपोजिट आशा धोपिया थी और मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? तुम लोगों को तो पता ही होगा अब आशा अनपोज चुनी जाएगी। यहां तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, उसे भी टटोल कर देख लेते हैं। Hey!
हवलदार लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज। जी सर। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। कौन है इसके पीछे बताइए। मिस आशा, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप उस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही थी? मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में थी। वैसे तो संडे था, लेकिन हम सब दोस्त मिलकर यूनियन इलेक्शंस की बातें कर रहे थे। सारे लोग चले गए और मैं अकेली रह गई। जब मैं नीचे आई तो मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं ऑटो के लिए वेट करने लगी। तभी बाइक पर गोपाल और राजेश आए और मुझे परेशान करने लगे, तंग करने लगे, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं बहुत घबरा गई, इसलिए वहां से भागी और उस सड़क पर पहुंच गई। तभी अचानक पता नहीं कहां से एक टूटी फूटी गाड़ी आ गई, जिसका कोई ड्राइवर नहीं था, नंबर प्लेट नहीं थी, और फिर उस गाड़ी ने दो बार उन दोनों को डैश किया। वो दोनों गिर गए और फिर पता नहीं वो गाड़ी अचानक कहां गायब हो गई। तो आपके कहने के मुताबिक उस गाड़ी की हालत बहुत खराब थी। हाँ, और सिर्फ खराब ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी जंकयार्ड से आई थी। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे दीपक के साथ जो हादसा हुआ उसमें भी इसी तरह की कार का जिक्र है। बेहर साहब, मेयर साहब, इन दोनों वारदातों में बहुत कुछ मिलता जुलता है, मगर इतना सब कुछ सुनने के बाद उस पर यकीन भी कैसे किया जाए। मिस आशा, क्या आप बता सकती हैं कि वो गाड़ी किस मॉडल की थी? देखिए, उस गाड़ी को देखकर ऐसा लगा कि वो 20-25 साल पुरानी होगी। अच्छा, अगर आप उस गाड़ी को देखेंगी तो पहचान लेंगी? जो उस गाड़ी को एक बार देख लेगा जरूर पहचान लेगा। मेयर साहब, एक बात तो साफ है, इस साजिश में जिस किसी का भी हाथ है वो आपके बेटे और उसके दोस्तों से बदला लेना चाहता है। इंस्पेक्टर, खूनी इस तरह के वारदात करके खुलेआम घूम रहा है और पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। नहीं मेयर साहब, देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसका हमें अफसोस है, पर जबकि कार का हमें पता लग चुका है, हम पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू कर देंगे और आज रात से ही हम पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे और ऐसी नाकाबंदी करेंगे कि कातिल हमारी गिरफ्त से बचकर जा नहीं सकेगा। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये सब क्या हो रहा है यार? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ क्या हो रहा है। यार, राजेश और गोपाल तो गए थे आशा धुपिया को धमकाने के लिए, मगर वो भी मारे गए इस हादसे में। यार, मुझे तो लगता है कि आशा धुपिया किसी न किसी खतरनाक गैंग से मिली हुई है। पहले दीपक मरा, फिर राजेश, फिर गोपाल, और सब की सब मौत एक ही ढंग से हुई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, डर के मारे नींद भी नहीं आती, और कहीं आंख लग गई तो वही डरावने सपने। अब तो मुझे वो गाड़ी भी नजर आती है यार, पता नहीं क्या करे और क्या नहीं।
आशा 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 आशा, ये चेतावनी है। तुमने वो गाड़ी देखी है, हो सकता है पुलिस तुम्हें अपने साथ ले जाकर गाड़ी पहचानने के लिए कहे। मगर याद रहे, अगर तुमने गाड़ी पहचान ली तो फिर तुम्हारा भी हाल वही होगा जो दीपक, राजेश और गोपाल का हुआ। मगर तुम कौन हो और तुम्हारा गाड़ी के साथ क्या संबंध है? मेरा उस गाड़ी से क्या संबंध है? वो गाड़ी मेरा घर है, मैं उसी गाड़ी में रहती हूँ। मगर ये जान लो, जिन तीनों को मैंने मारा है वो तीनों ही छठे हुए बदमाश थे। अरे जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें उस दिन नहीं बचाती तो राजेश और गोपाल तुम्हारा क्या हाल करते? हाँ ठीक कहा तुमने, इस हादसे की दहशत में मैं ये बात तो भूल ही गई थी। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन। क्या हुआ माँ? अरे आशा बेटी, तू किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, नहीं मैं यहाँ से जा रही थी, तुझे बड़बड़ाते हुए सुना इसलिए। हाँ वो मैंने एक बुरा सपना देखा ना, इसलिए नींद में ही बड़बड़ा रही थी, डर गई थी ना। ओ, अब तो डर नहीं लग रहा है बेटी। नहीं मैं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक है जा, सो जा, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ हेलो मिस आशा। हेलो इंस्पेक्टर। अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गईं। दरअसल मैं आपके घर जा रहा था। एक्चुअली हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस तरह की गाड़ी आपने देखी है उसी तरह की गाड़ी पास के जंकयार्ड में खड़ी देखी गई है, तो क्या आप चल के हमें उस गाड़ी को पहचानने में मदद करेंगी? हरकिन, एक्चुअली मुझे घर जाना पड़ेगा, आई एम स्वेटिंग, आई लाइक टू फ्रेशन अप। श्योर श्योर, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। ओके या प्लीज। आइए प्लीज। देखिए जहां तक इन्फॉर्मेशन है वो गाड़ी इसी जंकयार्ड में है, आइए आगे देख लेते हैं।
क्या बात है मिसाशा, आप घबरा क्यों गई? नहीं कुछ नहीं। ये गाड़ी वही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आई मीन यहाँ वो गाड़ी है ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी गाड़ियां उनमें से कोई भी चलने के काबिल नहीं है। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, लगता है हमें इन्फॉर्मेशन गलत मिली है। हमने खाम खा आपको तकलीफ दे दी। चलिए वापस चलते हैं, आइए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर शर्मा है, आपका नाम? साहनी। आप रुकिए मैं पूछ के आता हूँ। जी। घबराओ मत। कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। मिस्टर साहनी आप अंदर जा सकते हैं। जी। माननी पड़ेगी आशा, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। इतना कुछ जानने और देखने के बाद भी इतनी रात को यहां अकेले आने की हिम्मत की। एक लड़की के लिए ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तुम दिखाई देती हो वो सचमुच हो या मेरा वहम है, एक भ्रम है? नहीं आशा, ना ये वहम है ना भ्रम, मैं एक सच हूं।
तुम्हारी तरह एक लड़की हूं मैं, जिसे आज भी उसके माँ बाप ढूंढते फिर रहे हैं। तो फिर तुम अपने माँ बाप के पास जाते क्यों नहीं? क्यों उन पर जुल्म कर रही हो? जुल्म तो मुझ पर हुआ है आशा, इसी जगह पे इसी गाड़ी में बड़ी बेरहमी से मेरा कत्ल किया गया। हाँ आशा, तुम्हारे सामने एक बदनसीब लड़की रूपा सहाने की आत्मा खड़ी है। आत्मा? हाँ आत्मा, जो अपने कातिलों को सजा देने का संकल्प कर चुकी है। लेकिन रूपा, अगर तुम आत्मा हो तो मैं तुम्हें कैसे देख पा रही हूँ? मैंने तो सुना है कि आत्मा हवा का झोंका होती है। हाँ मैं भी एक हवा का झोंका ही हूँ, मेरा ये रंग रूप सभी हवा का झोंका ही है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छूकर देख सकती हो। डरो मत, मुझे छूकर देखो। हाँ, तुम तो सचमुच एक हवा का झोंका ही हो, मगर एक जीती जागती लड़की से तुम्हें हवा का झोंका बनाया किसने? वो अभी भी मेरे पाउच और चक्र से दूर है। मगर तुम हो कौन और तुम कातिलों के जंगल में फंसी कैसे? मैं एक सरकारी ऑफिसर अनिल सहानी की एक लौती बेटी हूँ। माँ बाप के लाल प्यार में पली थी और जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मेरा जन्मदिन था। दोस्तों के साथ होटल में काफी वक्त हो चुका था, रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए अपने दो चार सहेलियों को उनके घर छोड़ा और आखिरी दोस्त को मुलुंड छोड़ के जाते वक्त मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी भराया और छोड़कर मैं वापसी आ रही थी। उफ, क्या होगा अभी? गाड़ी, स्टॉप द कार। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हुआ, प्लीज आप जरा चेक कर देंगे? व्हाई नॉट, प्लीज। एक मिनट मैम। मुझे नहीं लगता है कि यह गाड़ी बिना मैकेनिक ठीक हो सकती है। मैडम, अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे साथ चलें। ये रास्ते में हाईवे पर एक मैकेनिक मेरे पहचान का है, जो आपके साथ आएगा, ये गाड़ी ठीक करके जाएगा। ओके? लेकिन आप घबराइए मत, हम शरीफ लोग हैं, आप आइए 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 आइए। आइए दीपक, तू जरा पीछे एडजस्ट कर ले। हाँ आइए, आप आइए, आप आइए। आइए।
मुझे बहुत लेट हो रहा है, एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। वैसे रूपा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। यही है वो गैरेज। मगर यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। रात बहुत हो गई है, हो सकता है कि मैकेनिक घर चला गया हो। हाँ हाँ तो फिर आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों लाए? भाई आपका बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहा है। क्या मतलब है आप लोगों का? मतलब साफ है मैडम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले हम थकाएंगे फिर इसका शिकार करेंगे। क्यों? हाँ शिकार तो अपने हाथों में ही है। चलो इसको पीछा करते हैं। चलो आप बच के कहाँ जाएंगे जानमान? कब तक तड़पाएंगे तू? रुक, अरे कहाँ छुप गई जानमान? हमारे साथ भी पार्टी मनाओ ना, आओ ना। अरे अब तो आजा, कहाँ है? दीपक मिली क्या? नहीं। अरे यार कहीं भाग तो नहीं गई? इस तरह ये गाड़ी मेरे लिए शमशान बन गई, जहां मेरा सम्मान भी गया और जान भी। ये लोग तुम्हारे भी दुश्मन हैं, ये लोग पैसे वाले हैं, बहुत ताकतवर। इनमें एक मेयर का बेटा था जिसे मैंने खत्म कर दिया, और अब जिसे खत्म करना है वो एक बहुत बड़े ठेकेदार गिरधारी लाल का बेटा अजय, और दूसरा उसका दोस्त सुरेश। मगर रूपा तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जो अपराधी बचे हुए हैं अजय और सुरेश, उन्हें कानून से सजा मिलनी चाहिए? कौन दिलाएगा इन्हें सजा? जो कुछ मेरे साथ हुआ
उससे तो कानून अब तक बेखबर है, और कानून को पता चल गया तो वो सबूत मांगेगा। कौन देगा सबूत? सबूत तो मिल जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं तुम्हारी लाश भी होगी, और कहीं ना कहीं तुम्हारी गाड़ी भी होगी। हाँ, मेरी लाश तो इसी जंग के यार्ड में दफन है, और मेरी कार को उन लोगों ने वहां से उठवाकर नदी में फिंकवा दिया। आशा तुम यहां इस वक्त मुझसे बातें कर रही हो, और उधर तुम्हारे खिलाफ एक साजिश हो रही है। मेरे खिलाफ साजिश? हाँ आशा, तुम्हारे खिलाफ साजिश। अब तो तुम्हें बहुत संभाल कर रहना है, क्योंकि अजय और सुरेश तुम्हें दीपक, राजेश और गोपाल का कातिल समझते हैं। क्या? हाँ, लेकिन बेटे तुमने तो कहा था कि राजेश और गोपाल आशा को सबक सिखाने गए थे। हाँ दादी, लेकिन पुलिस को उन दोनों की लाशें मिली, और ये सब कुछ आशा के सामने हुआ, और आशा ने पुलिस को यह बयान दिया है कि एक गाड़ी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था उन दोनों को कुचलकर गायब हो गई। दादी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आशा के साथ कोई ना कोई तो जरूर है। मुझे भी ऐसा लगता है। खैर, जो भी उसके साथ है देख लेंगे हम। अरे अरे, कौन है तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या किया है? प्लीज। हम तो तुम्हें बहुत जाबाज समझते थे, तुम तो बहुत डरपोक निकली। मुझे पहले से ही शक, तू ही है ना जिसने मेरे दोस्तों को एक एक करके मारा है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ तेरे लिए आई, जहाँ राजेश गया, गोपाल गया, वहां तू भी जाएगा। अंकल, अंकल, सुरेश, सुरेश, अंकल आप भी भागिए। अंकल, गिरधारी
ये सब तो गए, अब तेरे बेटे की बारी है। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बेटे प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाओ, सब सच सच बता दो। बेटे चार जाने जा चुकी हैं, और वो जाते जाते मुझसे कह गई कि अगली बार मैं तुम्हारे बेटे को, बेटा मैं सारी दुनिया इधर की उधर कर दूंगा पर तुझे आज तक नहीं आने दूंगा। देख बेटे, मुझे सच सच बता दे बेटे प्लीज। बेटा इंसान इंसान से लड़ सकता है, पर किसी प्रेतात्मा से कैसे लड़ सकता है? प्लीज बेटा। हाँ डैडी, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूं। उस रात तेरी वो, अरे कमीने, तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने एक बेबस लड़की के साथ में ऐसी गंदी हरकत की? जी में आता है कि तुझे इसी समय पुलिस स्टेशन भेज दूं, मगर क्या करूं, लौती औलाद जो है तो मेरी, तुम्हें बचाना भी तो पड़ेगा। एक उपाय मेरी समझ में आता है, और वो है गिरनार वाले बाबा की शरण में जाने का। बेटे डैडी चिंता मत करो, आधे घंटे में बाबा आने ही वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। डैडी न जाने मुझे बहुत डर क्यों लग रहा है। बेटे चिंता की कोई बात नहीं, बाबा आप तो 12 बजे आने वाले थे। हाँ आने वाला था, पर मुझे तेरे बेटे की चिंता थी इसलिए समय से पहले आ गया। जी वो आत्मा बड़ी शातिर है, उसे मेरे यहां आने का पता चल चुका है, इसलिए समय से पहले ही आ गया। अब वो यहां नहीं आएगी, अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, ये मेरे साथ मेरी कुटिया पर चलेगी अकेले, तभी वो आत्मा मेरे वश में आ पाएगी। पडारी बेटे इन पे विश्वास रख, इन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया। लेकिन डैडी डर मत बालक, चल मेरे साथ। हाँ बेटे आ जा, विश्वास रख सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटे। निरंजन, बाप मैंने तुझसे 12 बजे आने के लिए कहा था ना, देख 12 बज रहे हैं। तू वो कौन था